Hi friends, I hope you all are doing good. एक क्यूट सी पेपर क्विलिंग डॉल बनाने के लिए हमने एक लाइट ग्रीन शीट ली है, जिसको हम कटर से इक्वल विड्थ की स्ट्रिप्स कट कर लेंगे, या तो क्विलिंग स्ट्रिप्स भी अवेलेबल होती हैं मार्केट में, हम वो भी ला सकते हैं। पेपर मोटा होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बिल्कुल एंड से ऐसे ही रोल करते रहिए और बहुत सारी स्ट्रिप्स को आप ऐड करके रोल करते रहिए, जब तक वो एक बड़ा सा टाइट कॉइल बन जाए, जिसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है। और बाकी स्ट्रिप्स से 2 कॉइल्स और बनाएंगे, जिनके डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर होंगे। अब 3 सेंटीमीटर वाले क्विलिंग मोल्ड पे हम सबसे बड़े वाले कॉइल को एक हेमिस्फीयर शेप दे देंगे। अब धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे आप हेमिस्फीयर को एक कोनिकल शेप दें, लेकिन ध्यान से दीजिएगा, कभी कभी सेंटर में ज़्यादा प्रेशर लगाने से सारी स्ट्रिप्स जो रोल हुई हुई हैं वो बाहर आ जाती हैं। फिर सेंटर को इस तरह से फ्लैट कर लीजिए। फिर कोन के अंदर बिल्कुल अच्छे से फेविकॉल लगाकर फैला लीजिए, ताकि आपका ये मोल्ड बिल्कुल सिक्योर हो सके। कीप इट साइड एंड लेट इट ड्राई। बिल्कुल सेम अब हम बाकी 2 कॉइल्स के साथ करेंगे। उसको भी हम एक कोन बनाएंगे, लेकिन वो इस बड़े कोन की हाइट से कम हाइट का होगा, क्योंकि इसकी हम स्लीव्स बना रहे हैं बिल्कुल ऐसे। फिर मेन बॉडी के साइडवेज आप स्लीव्स चिपका लीजिए और उसे अच्छे से सूखने दीजिए। ये तो अच्छे से सूख चुकी है, तो क्या अब ड्रेस डिजाइन करें? सेम कलर की और भी पतली स्ट्रिप लेके हम उसे ऐसे क्रीज देकर कई बार फोल्ड करेंगे बिल्कुल ऐसे, ताकि एक प्यारी सी लीफ बन जाए। हमें टोटल 10 लीव्स चाहिए, 5 आगे के लिए और 5 पीछे के लिए। जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसे डिजाइन करके उसे लगा सकते हैं। हमें ये ज्यादा अच्छा लगा, तो आई डिड इट दिस वे। बॉर्डर के लिए बॉर्डर की साइज की क्विलिंग स्ट्रिप को हम क्विलिंग क्रिम्पर से क्रिम्प कर लेंगे बिल्कुल ऐसे, या फिर आप ऐसे क्रीज कर करके भी क्रिम्प कर सकते हैं पेपर को। अब ग्लू से क्रिम्प पेपर को बॉर्डर के ऑल ओवर पेस्ट कर लीजिए। क्या डबल बॉर्डर का लुक अच्छा लगेगा? करके देखते हैं। नॉट बैड। आप चाहे तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स बॉर्डर इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक काफी मोटी स्ट्रिप को हम इस तरीके से कट करेंगे, पूरा पेपर कट नहीं करेंगे, केयरफुल रहिएगा। साथ ही एक छोटा सा कॉइल भी बना लेंगे, जिसके अराउंड हम इन 2 स्ट्रिप्स को ऐसे रोल करेंगे और ऐसा फ्लावरी स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। फिर डॉल की ड्रेस पे नेक फर की तरह पेस्ट कर देंगे। स्लीव पर बॉर्डर देना तो हम भूल ही गए। तो ये रहा बॉर्डर। डॉल का सर और हाथ बनाने के लिए हमें स्किन पेपर नहीं मिला था, तो हमने येलो शीट ले ली। येलो स्ट्रिप से हम 2 सेम साइज के पेपर कॉइल बनाएंगे। इनिशियल 3 सेंटीमीटर डायमीटर से थोड़े छोटे, लेट्स से 2.5 सेंटीमीटर। बाकी पाम बनाने के लिए छोटे 2 कॉइल्स और बनाएंगे, जिसको टाइटली पहले कॉइल करेंगे और धीमे से ढीला छोड़ देंगे, ताकि वो लूज हो जाए और हम उसे एक साइड से दबा के ड्रॉप शेप दे दें। बड़े 2 कॉइल्स को हम सूटेबल साइज के मोल्ड से हेमिस्फीयर्स बना लेंगे। इन 2 हेमिस्फीयर्स को हम हाथों से शेप दे रहे हैं, ताकि मिलके ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ऐसा कर लेने के बाद इनको स्टेबल बनाने के लिए हमने पिछले कॉइल्स की तरह अंदर ग्लू लगा के स्प्रेड कर दिया है, और पाम्स को स्लीव्स के अंदर ट्वीजर्स की हेल्प से प्रॉपरली चिपका दिया है। जब तक हेमिस्फीयर्स सूख रहे हैं, तब तक हम डॉल के बाल बना लेते हैं। बालों के लिए हमने ब्लैक कलर की पतली स्ट्रिप्स कट की हैं और पेपर क्रिम्पर से क्रिम्प कर दी हैं। अब हेमिस्फीयर्स के सूख जाने के बाद उनको पेस्ट करके स्क्वायर बना देंगे। हम 7 सेंटीमीटर्स के क्रिम्प पेपर्स के बाल बनाएंगे। अब बाल लगाने का टाइम आ गया है, तो हम सिर्फ 1 हेमिस्फीयर में ही बाल लगाएंगे। हेड के टॉप व्यू से देखने पे जो सेंटर पॉइंट है, वहीं से हम इस तरीके से बाल लगाएंगे।
जब तक स्कैल्प पूरी कवर ना हो जाए हम तब तक स्ट्रिप्स लगाएंगे, तो ये कुछ ऐसी दिखेगी। फ्लिक्स के तौर पे हम कुछ कर्ली हेयर लगाएंगे नीडल टूल से स्ट्रिप को कर्ल करके। तो सारे बाल लगा लेने के बाद हमने हेयर को यू कट दे दिया है और वो स्पाइरल बाल कर्ली बाल हमने साइडवेज लगा दिए हैं और फ्रंट से कुछ बैंग्स भी बना दिए हैं। एक रोज क्राउन के साथ हमारी डॉल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। टॉप राइट कॉर्नर में इन रोजेस को बनाने का ट्यूटोरियल भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को पूरा पहले देखें। अब क्राउन को नीटली पेस्ट कर लीजिए और आपकी क्यूट पेपर क्विलिंग डॉल तैयार है।